राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप के अच्छे होंगे। और प्लांट्स के साथ समय बिताना, उनको पानी देना, उनके साथ कुछ छोटे मोटे काम करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है गाइस, बहुत ज़्यादा। और मैं उनके साथ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इनकी समय समय पे पिंचिंग करना, इनको शावरिंग कराना, इनके प्लांटर में कुछ मिट्टी का संतुलन को बनाए रखना, ये सारे जो काम होते हैं हम गार्डनर्स के, ये बड़े ही मुझे पसंद हैं। और जब प्लांट्स खूब हरे भरे और खूबसूरत निकल के आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हम गार्डनर्स को जो खुशी होती है वो हम गार्डनर्स ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का। तो मैं आपको जो ये इतनी गर्मी पड़ रही है और फिर भी आपको ये हरे भरे प्लांट्स दिखा रही हूँ, कितने हेल्दी प्लांट्स हैं आप देख सकते हैं। इस प्लांट्स का नाम है फॉक्सटेल फन। और गाइस, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी प्लांट्स निकल के आया है। ये मई का लास्ट मई का महीना चल रहा है और बहुत ही खूबसूरती से ये फॉक्सटेल फन कर रहा है। तो जब प्लांट्स हरे भरे दिखते हैं हम गार्डनर्स को, तो जो हमारी आँखें हैं वो काफ़ी ज़्यादा चकाचौंध रहती हैं। हमारे मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको किस अल्फाजों में एक्सप्लेन करूं मेरे ये प्लांट्स मुझे कितने पसंद हैं। कुछ कलरफुल प्लांट्स भी ऐसे हैं जिनको देखने के बाद मुझे लगता है कि बस मज़ा ही आ जाता है। ये देखिए, लग रहे हैं ना खूबसूरत। कुछ प्लांट्स का तो खूबसूरती में जवाब ही नहीं होता है, इतने खूबसूरत प्लांट्स होते हैं कि बस उन्हें देखते ही बनता है। अम्ब्रेला, जिसे सफलेरा भी कहते हैं। और जो ये दिखा रही हूँ मैं आपको बॉस्टन फन, ये भी काफ़ी ज़्यादा मेरे यहाँ हो चुका है और मुझे इंतज़ार है बरसात का कि बरसात आए और मैं इसको डिवाइड करके एक आधे प्लांटर्स और बनाऊं इस बॉस्टन के। मेरे पास वैसे बॉस्टन फन एक हैंगिंग बास्केट में भी लगा हुआ है और एक ऐसे ही प्लांटर में लगा है, पर वो थोड़ा कम है। अब वो अच्छे से निकल के वो भी आ रहा है। आई होप कि बरसात तक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। पर जिस तरीके से इसमें हो रहा है, ये मुझे लगता है कि इसे डिवाइड करना चाहिए। और मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि इसकी रूट्स भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाउंस हो रही होंगी। वैसे निकल के तो अभी आ रहा है, बट जिस दिन डिवाइड करूँगी उस दिन मैं इसकी रूट्स को भी देख लूँगी और इसमें कुछ मिट्टी और कुछ ज़रूरी खाद वगैरह भी दे दूँगी इस प्लांट्स में, ताकि ये इसी तरीके से बढ़ता रहे और इसको कोई कमी ना मिले इस प्लांट्स को। तो इस तरीके से कुछ प्लांट्स इधर सामने रखे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। आपको कौन सा प्लांट्स आज जो मैंने दिखाया, ये फाइकस है, डेफिंग बेकिया है। ये कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अभी इतने मई में बहुत ही खूबसूरती से निकल के आए हैं और अभी भी चांसेस बहुत अच्छे हैं बरसात में बहुत ही खूबसूरत निकल के आएंगे। सो गाइज, अगर आपको इनमें से कोई भी प्लांट्स अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे मेरे ये खूबसूरत प्लांट्स। तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को एंजॉय करें, फिर मिलती हूँ आपसे किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक एंजॉय दिस वीडियो, अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके भी बताइएगा आपको मेरे कौन से प्लांट्स ज़्यादा पसंद आए। बाय फ्रेंड्स।